पिथौरागढ़ जिले में पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान यातायात नियम और मिशन मर्यादा में 111 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। एसआई बबीता टमटा ने ऋतिक बोरा निवासी तड़ी गांव को अपने पड़ोसी के साथ गाली गलौज करने पर गिरफ्तार किया। गंगोलीहाट में धीरज कुमार और अनिल कुमार को आपस में लड़ने पर थानाध्यक्ष मंगल सिंह ने गिरफ्तार किया। मुंशियारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए आई एक महिला की हालत अचानक बिगड़ गई। भदेलीली गांव निवासी महिला मंजू देवी को चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, लेकिन महिला की स्थिति एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय तक पहुंचने की नहीं थी। विधायक प्रतिनिधि हीरा सिंह चिराल ने इसकी जानकारी विधायक हरीश धामी को दी। विधायक धामी ने जिलाधिकारी से वार्ता कर हेलीकॉप्टर मुंशियारी भिजवाया। मंजू देवी को हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ चिकित्सालय भेज दिया गया। परिजनों ने विधायक हरीश धामी और जिलाधिकारी का आभार जताया है। आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट मऊ द्वारा आयोजित 32वीं अखिल भारतीय जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में पिथौरागढ़ की मनीषा धामी ने नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वे महाविद्यालय में एनसीसी की सीनियर अंडर ऑफिसर हैं। जिले के एशियन अकेडमी के हर्षित जोशी ने इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लाकर राज्य को गौरवान्वित किया है। एटी बटालियन के एनसीसी अधिकारी बीआर कोहली ने बताया कि मनीषा ने 600 में से 550 अंक प्राप्त कर नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। वह पिथौरागढ़ के एनसीसी इतिहास की पहली कैडेट है जो नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगी। उनके शानदार प्रदर्शन पर एटी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस तड़ागी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास की जीत पर उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने महामंत्री राकेश देवलाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में पटाखे फोड़ और मिष्ठान वितरित कर जश्न मनाया। उन्होंने भाजपा पर विश्वास कायम रखने के लिए बागेश्वर की जनता का आभार भी जताया। यहां जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, मीनू बिष्ट, प्रमिला बोरा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिसकर्मी ने ड्यूटी के दौरान सड़क पर मिले पर्स को संबंधित व्यक्ति को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। न्यायालय गेट के पास कांस्टेबल पंकज पंगरिया को ड्यूटी के दौरान सड़क पर एक पर्स गिरा हुआ मिला, जिसमें 3,450 रुपए और अन्य दस्तावेज थे। पुलिसकर्मी ने पर्स रजत विश्वकर्मा को लौटाया, इसके लिए उसने पुलिसकर्मी का आभार प्रकट किया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीडीहाट हिमांशु पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान भवानी राम निवासी बुड़काफल और नरेंद्र प्रसाद निवासी लोहार गांव को आपस में गाली गलौच, आरोप प्रत्यारोप कर शांति व्यवस्था बाधित करते पाए गए। इस पर पुलिस टीम ने दोनों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ और जनपद न्यायालयों द्वारा 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण की सचिव विभा यादव ने अधिकाधिक लोगों से लोक अदालत में शामिल होकर अपने वादों का निपटारा करने को कहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अभियान चलाकर पेय पदार्थ और बिस्कुट का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा। शुक्रवार को टीम ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा के नेतृत्व में खाद्य कारोबारकर्ताओं को दुकान में सफाई व्यवस्था बनाए रखने और एक्सपायरी खाद्य पदार्थ नहीं भेजने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि डेयरी संचालक खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य कारोबार करने के लिए प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण कराना अनिवार्य है। टीम में योगिता तिवारी, एएस भाटिया मौजूद रहे। डीडीहाट अस्पताल की 3 सूत्री मांगों को लेकर लोगों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी रहा। लोगों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर दान सिंह द्योपा, हिमांशु चुफाल, रवि बोरा, बलवंत कठायत, अनिल जोशी, लीला जोशी, संजय द्योपा, राजेंद्र चौहान, भगवान टमटा समेत कई लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के आंगनबाड़ी आशा और भोजन माता सहित ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पटना रवाना हो गई हैं। वर्कर्स का नेतृत्व कर रही दीपा पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन में कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं के मसलों पर विचार विमर्श कर रणनीति तय की जाएगी। उत्तराखंड से 52 कर्मचारी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। चिमशानौला स्थित चंदीवास में ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच बहन कविता कुसुम आदि ने श्री कृष्ण जन्म के रहस्य, उनके 16 गुणों के रहस्य को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में मुस्कान, लावण्या, सिमरन ने संगीत नृत्य प्रस्तुत किया। बहन गोदावरी और दीपा ने रासलीला की सुंदर प्रस्तुति दी। इस अवसर पर नियमित विद्यार्थी तथा अन्य लोग मौजूद रहे। समापन से पूर्व केक काटकर प्रसाद वितरित किया गया।
अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।